हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अपने पिछली क्लास में बालकास्तवों के प्रकार देख लिए थे। अब इसके बारे में जो प्रकार है उनके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो कौन कौन से प्रकारों के बारे में, तो सबसे पहले जो आता है बरखान बालकास्तव, जो राजस्थान में सर्वाधिक है। आकृति इसकी देखी जाए तो अर्धचंद्राकार होती है, सर्वाधिक गतिशील होता है, सर्वाधिक विनाशकारी भी होता है। क्षेत्र की बात की जाए तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ओसिया। और शेखावटी का कौन सा क्षेत्र है, शेखावटी में भालेरी जो चूरू में आता है और भंडाना झुंझुनू में आता है, ठीक है। और उस ढाल की बात की जाए तो तीव्र ढाल होता है, ऐसा करके ना, ऐसा करके, ठीक है ठीक है। तो समझ में आ गया, आकृति चंद्राकार, सर्वाधिक गतिशील, सर्वाधिक विनाशकारी। क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ओसिया। और शेखावटी क्षेत्र में भालेरी, चूरू और मंडावा झुंझुनू का, ये बरखान का क्षेत्र है, ठीक है। उसका ढाल तीव्र ढाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अंधेरी वालों का स्तूप। इसका जो निर्माण होता है हवा के समानांतर होता है, क्या होता है, हवा के समानांतर। इसके अंदर रेखीय वालों का स्तूप, पवनानुवर्ती वालों का स्तूप और सिर्फ वालों का स्तूप आते हैं अंधेरी वालों का स्तूप में, ठीक है। अब अनुप्रस्थ वालों का स्तूप, इसका निर्माण हवा के समकोण होता है। देखते हैं पैराबोलिक बालकास्तव। पैराबोलिक बालकास्तव जो पेड़ों के सहारे जो बालकास्तव होते हैं, पैराबोलिक बालकास्तव, हेयर पिन बालकास्तव भी इसको कहते हैं। शुष्क शुभ्र कापिज बालकास्तव, जो झाड़ी के आकार के होते हैं उन्हें शुभ्र कापिज बालकास्तव कहते हैं। नेक्स्ट है नेवखा या नेवछा बालकास्तव, ये वनस्पति एक की एक और की ओर बालक, वनस्पति की एक और की ओर बालक। नेक्स्ट है तारा बालुकास्तुप। तारा बालुकास्तुप जो होता है क्षेत्र मोहनगढ़ जैसल का जो क्षेत्र है, सूरतगढ़, अनूपगढ़, गंगानगर का, में ये तारा तारे की तरह बालुकास्तुप यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट होता है नेटवर्क बालुकास्तुप, जो इस तरह से कुछ रहता है, क्षेत्र हनुमानगढ़, हिसार और सिरसा में। नेक्स्ट है धरियन, जो मिट्टी की लहरदार जमाव हो जाती है उसे धरियन बालकास्तु कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जल के स्रोत। जल के स्रोत में अपन देखने वाले हैं आगोर। आगोर क्या है, मरुस्थली क्षेत्र में घरों के आंगन अपने टंकियां होद को आगोर कहते हैं। नाड़ी, नाड़ी क्या है, छोटी नाड़ियां या खेल को नाड़ी कहते हैं। टोबा, टोबा क्या होता है, बड़ी खेल या नाड़ी का बड़ा रूप, बड़ी खेल या नाड़ी का बड़ा रूप। खड़ीन, खड़ीन क्या होती है, खेत में दाल ढाल के विपरीत पाल बनाकर पानी एकत्रित करना, क्या होता है खड़ीन। प्लाया क्या होता है, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली खेती है, जो दो स्तूपों के बीच निर्मित चिन्ह है, जैसे कि जैसलमेर टाड, जैसलमेर में होता है ये प्लाया, इसमें टाड रन या प्लाया जल भी कहते हैं। प्लाया जल कृत्रिम जल है, टाड रन प्राकृतिक है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड भी देखते हैं प्लाया जल क्या होती है। प्लाया जो है बालकास्तुप के मध्य वर्षा जल को रोककर निर्मित अस्थायी व दलदली झील प्लाया झील होती है, ठीक है। क्या होता है, बालकास्तुप के मध्य वर्षा जल को रोककर निर्मित अस्थायी झील दलदली झील। बाप व लावा क्या होता है, ये जोधपुर में होता है, धोप बाड़मेर में, पोगरण भाकरी जैसलमेर में है, ताल छापर परिहारी चूरू में, सांबर झील जयपुर में है। पोखरण परीक्षण, पोखरण परीक्षण की बात की जाए तो चरण प्रथम चरण 18 मई 1947 को नाम स्माइलिंग युद्धा, द्वितीय चरण 11 मई 1998 को और द्वितीय चरण की दूसरी तारीख 13 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट है बाप बोल्टर। बाप बोल्टर कहाँ है, जोधपुर में, ये बांदूरा बोल्टर की तरफ से जाना जाता है।
गोल चिकने पत्थर होते हैं यहाँ पे, और परमो कार्बोनिफेरस युग की बात ही करता है। नखलिस्तान, नखलिस्तान मरुस्थल में हरा भरा भाग को नखलिस्तान कहा जाता है। राजस्थान का नखलिस्तान गजनेर बीकानेर को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बालुका स्तूप विहीन या मुक्त क्षेत्र। जो कि 41.5% बालुका स्तूप विहीन या मुक्त क्षेत्र होता है। 41.5 इसे हमादा भी कहा जाता है, चट्टानी मरुस्थल भी कहा जाता है। पेट्रोलियम पदार्थों का उपद्रवण इन्हीं से होता है। देखो यहाँ पे ऊपर पोखरण है जो जैसलमेर में आता है, बीच में हमादा का क्षेत्र है, यहाँ बालोतर बाड़मेर है और फलौदी जोधपुर से बीच का क्षेत्र है। क्या है हमादा है। बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र कितना है, 58.5%। इसी तरह से पूछ प्रश्न आ जाता है कि बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र कितना प्रतिशत है, तो 58.5%। बालुका स्तूप विहीन पूछे तो 41.5 कर रहे हैं, बालुका स्तूप युक्त है 58.5। ठीक है, तो सर्वाधिक बालुका स्तूप युक्त वाला जिला जैसलमेर है। सभी प्रकार के बालुका स्तूप वाला जिला तो जोधपुर प्लस बाड़मेर है। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं, तो ये ध्यान में रखने वाले हैं दोस्तों। नेक्स्ट है अर्धशुष्क मरुस्थल। अर्धशुष्क मरुस्थल की बात की जाए तो वर्षा यहाँ पे 20 से 50 सेंटीमीटर पश्चिमी सीमा के अंदर, 20 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर पूर्व सीमा की। वजन ज़्यादा पागा पंग करेंगे गगर बेसिन, शेखावटी बेसिन, नागरी उच्चभूमि, लवण बेसिन, लूणी या बेसिन या गोडवाल प्रदेश। ठीक है, तो जो फर्स्ट नंबर पे डाला हुआ है यहाँ पे, ये गग्गर बेसिन है, ये शेखावटी बेसिन है, ये नागौर का उच्च भूमि वाला क्षेत्र है, चौथा लोणी बेसिन या गुडवाड़ा प्रदेश। यहाँ पे ये मैप के द्वारा आप समझ सकते हैं इसको। तो सबसे पहले गग्गर बेसिन की बात की जाए तो गग्गर बेसिन में क्या होता है, ये जो क्षेत्र है गंगानगर हनुमानगढ़ का है ना। और यहाँ पे जो होता है नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र होता है गग्गर बेसिन में, सेम की समस्या भी होती है। रसदार फलों का उत्पादन यहाँ पे होता है, गेहूँ और चावल का उत्पादन होता है। तो ये हो गई गग्गर बेसिन की बात। ठीक है, नेक्स्ट जो है शेखावटी बेसिन। शेखावटी यानी चूरू सीकर झुंझुनू का इलाका, यहाँ पे खरीफ की फसल का उत्पादन ज़्यादा होता है। सिंचाई द्वारा रबी की फसल का उत्पादन होता है। ठीक है, यानी सिंचाई द्वारा रबी का फसल होता है। नेक्स्ट है नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि में नागौर जोधपुर पाली बीकानेर अजमेर सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र है। फ्लोराइड युक्त तो पानी पीने से ये फ्लोरोसिस रोग यहाँ पे होता है, हड्डी और टेढ़ी मेढ़ी हो जाना आम बात है। यहाँ पे क्षेत्र कुबड़पट्टी पाकापट्टी नागौर से अजमेर के मध्य का है ना कहा जाता है। लोणी बेसिन गोडवाड़ बेसिन बाड़मेर जालौर पाली के क्षेत्र को लोणी बेसिन कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ ट्रिक्स है उसको देख लेते हैं अपन। अरावली की प्रमुख पर्वत चोटियाँ की ट्रिक है, जैसे गुरु से दिल जरा अकल से रखो, तारा नाग पहाड़ी पर भैरू बाबा बैठा है। क्या है ट्रिक अरावली की प्रमुख पर्वत चोटियों की जो ट्रिक है। यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन से नंबर का जिसकी ऊंचाई क्या है, ऐसा पूछा जाता है। तो ट्रिक अपनी आसानी से, गुरु से दिल जरा अकल से देखो, तारा नाग पहाड़ी पर भैरू बाबा बैठा है। तो गुरु से तो गुरु शिखर सिरोही में 17 से 22 मीटर जो सबसे ऊंचा है, शेर से शेर जो सिरोही में 597 मीटर, गुरु से दिल, दिल से दिलवाड़ा सिरोही 482 मीटर, 1482। गुरु से दिल जरा जरा दरगाह उदयपुर में आता है 1431 मीटर। गुरु से दिल जरा अकल और से असलगढ़ सिरोही 1380 मीटर, अकल कुंभलगढ़ राजसमंद 1224 मीटर। गुरु से अकल जरा रखो रह से रघुनाथगढ़ सीकर में जो 1055 मीटर, खो से जयपुर जो 920 मीटर में है, तारा से तारागढ़ अजमेर जो 870 से 873 मीटर है, नाग पहाड़ी जो अजमेर में 855 मीटर, नाग पहाड़ी पर भैरू बाबा, भैरू से भैराज जो अलवर में 792 मीटर,
बाबा से बाबाई झुंझुनू में 780 मीटर, बैठा तो बेराट जयपुर में 704 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे और मृदा वर्गीकरण किया हुआ है, जो ये वाला क्षेत्र है नंबर एक दे रखा है, रेतीली बलुई मिट्टी का क्षेत्र है। इस तरफ ये जो कुछ लवणीय का है, जो सेकंड दे रखा है भूरी रेतीली मिट्टी का क्षेत्र है, यहाँ पर पर्वतीय में मृदा मिलेगी आपको। यहाँ पे लाल पीली, यहाँ पे दोमट, यहाँ पे भूरी जलोढ़, यहाँ पे मिश्रित लाल मिट्टी, यहाँ पे लाल लोमी मिट्टी और यहाँ पे काली मिट्टी मिलेगी। ठीक है, तो ये आप मैप में देख सकते हैं नोट डाउन करके। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, घंटी बटन का प्रेस करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।